नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एनसी कंप्यूटर एजुकेशन में। और जैसे कि आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं कि बात करते हैं दोस्तों आज का, कि आपने जब बच्चों का एडमिशन ले लिया, आपके सेंटर अच्छी ग्रो चल रही है, आपका सेंटर आपने कम्प्लीटली आपने कोर्स करवा लिया, देन उसकी एग्जामिनेशन करवा के आपने जब सर्टिफिकेशन ले लिया, तो अब बात करते हैं दोस्तों जब उनकी सर्टिफिकेशन मिल जाती है, जब उनकी कंप्लीट हो जाती है सर्टिफिकेट, क्या आप उन सारे बच्चों के साथ आप रिलेशन रखते हैं, यानी कि या फिर आपसे आपके बस आपने सर्टिफिकेट दे दिया और उन बच्चों को जो आपने रिलीज कर दिया सेंटर। और अगर दोस्तों आज के डेट में अगर दोस्तों आपने उनको पूरी तरह से रिलीज कर दिया, तो आपकी सेंटर की ग्रो जो है वो रुक जाएगी, आपकी एडवर्टाइजमेंट रुक जाएगी, ठीक है, आपकी ब्रांडिंग रुक जाएगी। और ज़्यादातर मैं देखता हूँ आपका जितने भी कंप्यूटर सेंटर चल रहा है, 90% कंप्यूटर सेंटर यही करते हैं कि बस उन्हें किसी तरह कोर्स को कम्प्लीट कराना है, बढ़िया से सीखा जरूर बढ़िया था। मैं ये दोस्तों नहीं बोल रहा हूँ कि आपने उन्हें कम एजुकेशन दिया, आपने उसके ऊपर काफ़ी मेहनत किया, उनको आप पढ़ा लिया अच्छे से, उन्होंने सीख लिया, ठीक है, तो बस ब्रांडिंग इनसे खाली और खाली इन्हीं से नहीं होगा कि आपने पढ़ा लिया सर्टिफिकेट दे दिया। आपकी जो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड तभी बढ़ेगी जब आप बच्चों का जॉब प्लेसमेंट करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे कोर्स को कंप्लीट कर ले उनके साथ आप रिलेशन किस तरह से रख रहे हैं, क्योंकि वो आपके स्ट्रॉन्ग जोन है, आपने उनको कंप्लीट करा, वो मार्केट पे निकलेंगे और वो आपके सेंटर की एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ठीक है, कि हमने इस सेंटर से कंप्लीट किया, मैंने यहाँ पे अभी जो है मैं काम कर रहा हूँ। तो जब वो कहीं छोटा सा भी अगर 5000 का भी अगर वो जॉब कर रहा है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को जरूर प्रीफर करेंगे। और वो जो बंदे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर वो बंदे जो है स्टूडेंट्स को प्रीफर करते हैं कि वो सेंटर में हमने सीखा, वहाँ से जो है मैंने सीख के आज कमा रहा हूँ, जो भी जहाँ पे भी जो मैंने पोस्ट पे हूँ, तो उनसे क्या होता है, बच्चे ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और उनका बात पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो आपको दोस्तों क्या है, आपको वैसे बच्चों को अटैचमेंट पे रखना है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप बच्चों का जॉब प्लेसमेंट। तो आज दोस्तों बात करता हूँ आज के वीडियो में कि बच्चों का जॉब प्लेसमेंट के लिए आप क्या करें, यानी कि एक सेंटर हेड को, एक जो इंस्टीट्यूट चला रहे, एक संस्थापक को, कि जॉब प्लेसमेंट बच्चों का किस तरह से किया जाए या उनके लिए क्या क्या करनी होगी हमें, उन सारे चीज़ों का आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो दोस्तों आशा करता हूँ बहुत ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा वीडियो रहेगा। तो चलिए बने रहे हमारे चैनल में, जो भी दोस्तों हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट रिलेटेड कंटिन्यू वीडियो जो है अपलोड करता रहता हूँ और आगे भी आने वाले डेट में, ताकि आपको जो है बेनिफिट मिले। और ये सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो मैं अपने संस्थान पर करता हूँ, बस यही चीज़ आपके सामने दोस्तों शेयर करता हूँ, है ना, ऐसी नहीं कि कुछ बनावटी है, मैंने जो है जो मैं कर रहा हूँ आप भी कर सकते हैं, अपने सेंटर को ग्रो कर सकते हैं। आज के डेट में हमारा एनसीए सेंटर जो है काफ़ी ज़्यादा नाम पॉपुलरिटी बढ़ चुका है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना लेट के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली बात है आपको सेंटर हेड को, क्योंकि मैक्सिमम सेंटर हेड क्या है, अपने सेंटर पे ही बस कोर्स पढ़ाते हैं और उसी में अपना दिन भर का शेड्यूल जो है दिन भर का वो पूरा बिजी रहते हैं और कभी भी वो अपने सेंटर से बाहर निकलते नहीं। तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, हमें जो है मार्केट की एनालाइज करनी होगी, हमें किन किन लोगों से मिलना है, इन सारे चीज़ों को मैं पॉइंट वाइज जो है आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि जैसे आपको जॉब प्लेसमेंट कराना, क्या करना पड़ा आपको दोस्तों, क्या है, अपने सेंटर से निकल के वैसे जो मतलब जहाँ पे जॉब प्लेसमेंट के लिए बच्चे रिक्वायरमेंट होते हैं, उन सारे जगहों पर आपको जाना पड़ेगा। बस वन टाइम, एक बार आपने वहाँ विजिट कर लिया, उनके साथ आपने बॉन्डिंग बना लिया, देन जो है आपको कभी बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बाय कॉलिंग आपसे बात होगा। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको जो है वो से प्लेस पे जाना होगा, जैसे लाइक दोस्तों मैंने जो है इसके लिए 6-7 पॉइंट बना लिया। पहला जो आपको सबसे पहले जाना है, आप जिस सेंटर पे, जहाँ पे आपकी सेंटर है उसके नियरेस्ट कम से कम 30-40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर का डिस्टेंस में आप देखिए कि बड़ा हॉस्पिटल कहाँ पे है, यहाँ जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मतलब मैन पावर आपका जो है रिगार्डिंग आपके सेंटर के मैन पावर कैसे हो सकते हैं, जो कंप्यूटर रिलेटेड, यानी कि रिसेप्शनिस्ट हो गया या डाटा एंट्री का ऑपरेटर हो गया, इस तरह के पोस्ट के लिए आप जो है अपने सर्किल में जितने भी हॉस्पिटल्स है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, वहाँ जाके जो है आप उनके मैनेजर से बात करिए कि सर हमारे पास मैन पावर है, मैं अपने संस्थान चलाता हूँ, यहाँ पे अच्छे अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि कोर्स किए हुए हैं, तो उन सारे बच्चों का मैं, अगर आपके लिए रिक्वायरमेंट होती है तो जो है आपके अपने हॉस्पिटल पे जो है उस तरह के बच्चों को आप ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारे जो है बच्चों का इंटरव्यू ले सकते हैं, अगर आपको इंटरव्यू में आपको लगे कि ये जो है बेटर है तो आप कर सकते हैं। तो पहली बात है कि आपको विभिन्न जो भी आपके नियरेस्ट में हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल, वहाँ पर आपको विजिट करना होगा। बस एक बार आप विजिट करके उनसे बातें करिए, उनके जो मैनेजमेंट टीम है, ठीक है, उनसे बात करना होगा। नेक्स्ट
सेकंड जो है आपको बात करना होगा कि आज के दोस्तों शॉपिंग मॉल हर जगह खोल रहे हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, ठीक है। और हर शॉपिंग मॉल में जब भी मॉल में ओपनिंग होती है या खुलती है, खुलने के बाद भी दोस्तों, क्योंकि उसमें मैन पावर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और मैन पावर में भी मैंने देखा है अभी हमारे जो है सेंटर से करीबन 2 से 5 बच्चों का लगभग एक साथ जो है एक 2-3 मॉल पे अभी जो है हुआ है, जिसमें मेन अकाउंटेंट जहाँ पे बिलिंग सॉफ्टवेयर काम होती है वहाँ पे हमने प्लेसमेंट कराया। वो और स्टार्टिंग पेमेंट 13,000 से 15,000 के अंदर में उन्होंने उनका जो है रहता है, और वो टेली कोर्स के लिए अप्लीकेबल करता है कि अगर जो टेली सीखे हुआ। तो आप अपने विभिन्न शॉपिंग मॉल जो भी खोल रहे हैं आपके सेंटर से नियरेस्ट में, अगर आपको कहीं से मालूम चला तो आप उनके मैनेजमेंट टीम से जाइए, उनसे बातें करिए कि रिक्वायरमेंट प्रोसेस के लिए कि सर अगर आपके पास आपका जो है मॉल पे अगर मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमारे सेंटर को प्रीफर कर सकते हैं, यहाँ पे वेल एजुकेशन टीचर वेल एजुकेटेड स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट होता है, थर्ड जहाँ आपको प्लेसेस बनता है, फर्स्ट हो गया हॉस्पिटल, सेकंड हो गया शॉपिंग मॉल, थर्ड हो गया जितने भी शोरूम ओपन हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अब मारुति के सुजुकी शोरूम हो गया, टाटा मोटर के शोरूम हो गया, या बड़े होंडा शोरूम हो गया, हीरो शोरूम हो गया, यानी बाइक से लेकर कार तक, बड़े बड़े ट्रक शोरूम तक अगर आपके नियरेस्ट में 30-40 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर कहीं शोरूम ओपन हो रहा था, आप वहाँ पे विजिट करिए, वहाँ पे मैनेजर से बात करिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसेप्शनिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है बिलिंग के, बिलिंग उलिंग निकालने के लिए, तो इन सारे जगह पे आप मैन पावर ले सकते हैं। फोर्थ में आपका जितने भी ऑनलाइन सेंटर्स हैं, साइबर कैफे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े मैंने ऐसा देखा है कि कई साइबर कैफे में जो एक एक बार में 10-10 एम्प्लॉय काम करते हैं, ऐसा मैंने देखा है, कई जगह पर मैंने विजिट किया है, ठीक है। तो आप वहाँ पर भी मैनेजमेंट टीम से जाके बात कर सकते हैं, जो भी वहाँ के शॉप ओनर हैं या जो भी साइबर के बिल जो हेड है कि सर अगर रिक्वायरमेंट होती है बच्चों का, जो वहाँ खासकर बच्चे ऐसे जरूरत पड़ते हैं जो ऑनलाइन की काम जानते हैं, जो डाटा एंट्री का काम कर सके। तो आजकल जो है दोस्तों जितने भी आजकल प्रज्ञा केंद्र खुले हुए हैं, तो प्रज्ञा केंद्र में अक्सर जो है अच्छे कैंडिडेट उन लोग अपना ढूंढते रहते हैं, तो आप वहीं से प्रज्ञा केंद्र से जो चला रहे हैं बड़े लेवल पे, तो उन लोगों से आप जो है बात कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो है वो लोग प्लेसमेंट कराते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होता है जितने भी फाइनेंस, मिनी फाइनेंस कंपनियाँ आजकल काफ़ी ज़्यादा खुल रहे हैं लोन डिपार्टमेंट में, देखिएगा लोन प्रोवाइड करने के लिए, तो फाइनेंस कंपनियाँ कई सारे खुल रहे हैं व्हीकल फाइनेंस कराने के लिए, चाहे प्रोडक्ट बेस पे आजकल ये बहुत जोरों से चल रहा है। तो फाइनेंस कंपनियां जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, ठीक है, होम क्रेडिट हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा जो है एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है, जो लोकल एम्प्लॉय होते हैं उन लोग बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड स्टूडेंट्स नहीं खोजते हैं, वो लोग अपना लोकल सर्किल में अगर कंप्यूटर की नॉलेज है, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे है और जिनकी मतलब जिनकी स्किल्स अच्छी है उनको हायर करते हैं। तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आपके सामने नियरेस्ट में जो भी जहाँ भी जितने भी फाइनेंस ब्रांच खोल रहे हैं आप वहाँ पर विजिट करिए, वहाँ पर मैनेजर से बात करिए या जो भी उनके फाउंडर उनसे बात करिए, 100% मैं बता रहा हूँ वहाँ पे आपके नीड होती है स्टूडेंट्स का। तो ये हुआ आपका नेक्स्ट दोस्तों, बहुत सारे मैं आपको ये सारे लिस्टिंग इसीलिए बता रहा हूँ कि आप उन सारे जगह पे जाके विजिट कर सकें। लेकिन अब बात करता हूँ दोस्तों, कई सारे एजेंसियाँ बहुत सारे सेंटर वाले क्या होते हैं एजेंसी से कॉन्टैक्ट रखते हैं कि जॉब प्लेसमेंट के लिए एजेंसी के पास, मैं एजेंसी को कभी प्रीफर नहीं करूँगा अपने सेंटर में, क्योंकि दोस्तों जितने भी जॉब प्लेसमेंट के लिए एजेंसियाँ होती हैं वो कुछ ना कुछ चार्जेस पेमेंट करते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर आपके बच्चे उस एजेंसी के थ्रू में जाएंगे तो उनको चार्ज देना होगा, कुछ फी देना होगा, जिससे उनको लगता है कि शायद सेंटर हेड जो है, जो सेंटर चलाते हैं, जो मेरे सर रहे हैं, उनको भी शायद उनसे कुछ कमीशन मिलेगा, इसलिए वो मुझे जॉब प्लेसमेंट कराना चाहते हैं, इतना पैसा वहां पे लगेगा। तो मैं जॉब एजेंसियां को कभी भी अपने सेंटर में प्रेफरेंस नहीं करता। हाँ, अगर मान लीजिए कोई बच्चे आउटर अपना बाहर में जाके खुद एजेंसी से बात करके खुद अपना जॉब के लिए बात करते हैं, देन वो अलग बात है, पर जॉब प्लेसमेंट के लिए मैं उन एजेंसी को कभी अपने सेंटर पे जो है नहीं लाता हूं, क्योंकि इससे कि आपके मार्केट वैल्यू का जो वैल्यूएशन है वो कम हो जाती है, तो मैं एजेंसी को कभी प्रेफर नहीं करूंगा, ठीक है। अब मैं जो है उसके बाद आपको बताता हूँ कि स्कूल्स बहुत सारे अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खुल रहे हैं, ओपनिंग हो रहे हैं, जहाँ पे जैसे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, या फिर जो है आजकल कंप्यूटर टीचर का बहुत डिमांड है, जैसे PGDCA कोर्स, वहाँ पे जो है प्राइवेट स्कूल सब में कोई यूनिवर्सिटी लेवल का PGDCA का डिमांड नहीं होता, अगर आपने सेंटर में PGDCA प्लस ग्रेजुएट किए हुए तो उन सारे लोगों को जब वो हायर करते हैं, तो उन सारे स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल है, छोटे छोटे स्कूल्स खुल रहे हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए कंप्यूटर सेक्टर में कोई सेक्शन में भी आप प्लेसमेंट करा पाते हैं, तो देन गर्ल्स के लिए बहुत बड़ी बेटर रहती है, 4,000 से 5,000 आपका मिनिमम और मैक्सिमम आपका 10 से 15,000 तक आपका जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करता हूँ, अब आपका सवाल आता है क्या हम गवर्नमेंट में प्लेसमेंट करा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कोई भी बंदा अगर DCA DCE ही किया है तो सिर्फ DCA DCE को देख के किसी भी गवर्नमेंट प्लेस पे नहीं मिलेगा आपको, वो मिलेगा
अगर दोस्तों आपने ग्रेजुएट कर रखा या पीजी कर रखा उसके साथ अगर आपने डीसीए या डीसीए कर लिया, देन आपको क्या कहते हैं कई सारे जब जॉब वैकेंसियां निकलती है गवर्नमेंट की, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, तो उन सारे जगह पे हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर अप्लाई करवा सकते हैं अपने स्टूडेंट। मैंने जो है उन लोगों को मालूम नहीं चलता, तो मैंने आईसीटी कोऑर्डिनेटर, आईसीटी टीचर के लिए या फिर ब्लॉक लेवल में जो पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह होता है उनके लिए मैं प्रीफर करता हूँ, ठीक है। बट डीसीए डीसीए सिर्फ और सिर्फ करके आप जो किसी गवर्नमेंट सर्विस के लिए तो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास डिग्रियां हैं देन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको जॉब प्लेसमेंट पे ध्यान देना होगा। अगर आप जॉब प्लेसमेंट करा पा रहे हैं तो 100% मैं बता रहा हूँ आपके सेंटर का नाम बहुत आगे तक जाएगा।